हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत अपने सभी दर्शकों को बेटा टूथ में स्वागत करता हूँ। एक्चुअली आज हम दिल्ली के दंगों के बारे में सटीक विश्लेषण करने जा रहे हैं। दिल्ली का दंगा शुरू कहाँ से हुआ, शुरुआती पॉइंट कहाँ से था और दिल्ली के दंगों में क्या क्या हुआ, इसकी सारी जानकारी मैं एक बहुत ही अलग तरीके से आपको पेश करूँगा और ये सच भी रहेगा। बट मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि कृपया धैर्य बनाए रखें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। एक्चुअली दिल्ली के दंगे का जो शुरुआती पॉइंट था वो उसको समझने के लिए आपको शाहीन बाग चलना होगा। एक्चुअली CAA और NRC के विरोध के लिए के आड़ में विरोध के आड़ में दिल्ली में शाहीन बाग का एक प्रयोग किया गया, क्योंकि उस समय दिल्ली की चुनाव थी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि यह प्रयोग सफल हुआ। एक्चुअली CAA और NRC के विरोध के लिए शाहीन बाग एक एरिया है दिल्ली में, वहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे औरतों और बच्चे को आगे करके प्रोटेस्ट शुरू करवाया गया, एक ख़ास कौम के लोगों को, एक ख़ास वर्ग के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया और ये कहा गया कि ये CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं, वो NRC का जो NRC अभी पैदा नहीं हुआ है और CAA का विरोध कर रहे हैं। और विरोध स्वरूप उन्होंने क्या किया, एक रोड को ब्लॉक कर दिया। हाँ, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट सभी का अधिकार होता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक होना चाहिए और वो प्रोटेस्ट किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी दूसरे को उससे हानि या लॉस नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि आप क्या किए, एक रोड को जाम कर दिए। हाँ, रोड को जब जाम कर दिए और आप कह क्या रहे हैं कि आप संविधान बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जब अभी एक रोड को जाम कर दिए तो उस रोड में ट्रैफिक होती है, उस रोड के अगल बगल दुकानें भी थी। हाँ, उस रोड के अगल बगल लोग रहते होंगे, उनको डिस्टर्बेंस होगा। और फाइनली आपने क्या कहा कि संविधान को हम बचा रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए ये प्रोटेस्ट हम शुरू कर रहे हैं। और उस प्रोटेस्ट में छोटे छोटे बच्चों और औरतों को शामिल किया गया, ठीक है, लेकिन जब आप बच्चे को उस प्रोटेस्ट में शामिल कर रहे हैं तो बच्चा तो नाबालिग है और बच्चे को आप प्रोटेस्ट में शामिल नहीं करवा सकते। और उसमें क्या किया गया, आप देखिए, उसमें वीडियो आए हैं बहुत सारे लोगों के, जिसमें बच्चे से ये कहलवाया गया कि हमारा प्रधानमंत्री मार देगा, काट देगा, ये करेगा, जेलों में डाल देगा। उनको देख ऐसा लगता था कि ये बच्चे हिंदुस्तानी नहीं हैं, क्योंकि आप वोट दीजिए या ना दीजिए, वो आपके प्रधानमंत्री हैं, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो लग रहा था ये बच्चे हिंदुस्तानी नहीं हैं, ये बच्चे पाकिस्तानी हैं। ऑब्वियसली दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इसमें बच्चे की क्या गलती है, जिस तरह से माँ बाप या जो लोग उनको बताएंगे वही बात वो बच्चे उगल रही थी, ऑलरेडी वीडियो आया था। अब क्या है कि मतलब इसी चीज़ को ध्यान में रख के दिल्ली में हुए चुनाव। हाँ, जो पार्टी थे, कुछ पार्टी उसी चीज़ को ध्यान में रखा और कुछ पार्टी का कहा जाता है यह प्रयोग ही था और प्रयोग सफल रहा। और उसमें कांग्रेस ने क्या किया कि लगभग आम आदमी पार्टी को वॉकओवर दे दिया इस चुनाव में। हाँ, और कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि दूल्हे के अगर किसी आदमी की शादी होती है, मिस दूल्हे के दोस्त बनकर ही सब जगह खुश हैं। और दिल्ली में भी यही हाल हुआ, उनको ये चाहिए कि हम कैसे किस तरीके से आगे आएं, उनको ये देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो दूल्हे की दोस्त की वाली स्थिति सब जगह उनकी बन रही है, एक नेशनल पार्टी की ये हाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या हुआ कि धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया। हाँ, और CAA के विरोध के लिए अगर तत्कालीन कारण मैं बाद में जाऊंगा, पहला कारण ये भी है कि CAA बहुत सारे कारण अगर जुड़ते हैं, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कपिल मिश्रा जो BJP के एक लीडर हैं उन्होंने एक भाषण दे दिया कि रोड को अगर खाली नहीं कराया गया तो हम अपने तरीके से खाली कराएंगे, और इसी के कारण पूरा प्रोटेस्ट हो गया। और एक दिन में ही उन्होंने शाम को दिया, मतलब जिस समय दिया उसके कुछ देर के बाद ही प्रोटेस्ट उतना बढ़ गया और फाइनली दंगे के रूप ले लिया, ठीक है। अगर उनमें इतनी ही पावर होती तो वो विधायक का चुनाव जीत गए होते, वो खुद विधायक का चुनाव नहीं जीते और वो क्या दंगा करवा देंगे कहीं जगह पे। अगर करवा भी दिए तो उसके लिए
उनके स्पीच से अगर कोई वो हुआ तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर वो दोषी होंगे तो उन पे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हुई, अगर वो दोषी होंगे तो उसमें बहुत सारे हेट स्पीचेस हुए, और सीए के खिलाफ़ यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी बोला कि आप रोड पे आइए, ठीक है, तो रोड पे आइए, तो अगर वो दोषी होंगे, मतलब मैं ये नाम नहीं कि सोनिया गांधी, बहुत सारे लीडर बोले कि आप रोड पे आइए प्रोटेस्ट करिए, तो अगर वो दोषी हैं तो वो भी दोषी हैं, ये सारे लोग उसके लिए दोषी हैं। अब क्या हुआ कि दिल्ली में हुए चुनाव, जब दिल्ली में चुनाव हुए, एक खास पार्टी की वो सरकार बन गई, आम आदमी पार्टी जीत गई, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट बन गई। लेकिन क्या हुआ कि ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे दूसरे जगह बढ़ते गया। और ख़ास बात देखिए, दिल्ली में क्या हुआ, जिस समय विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति का जब दिल्ली में आगमन हुआ, तब ये दंगा भड़का है। और विश्व में हमारी क्या इमेज गई है? आप किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, लेकिन आपकी विरोध में ही आप बच्चे को शामिल कर रहे हैं, आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, आप संविधान बचा रहे हैं, दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचा के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को आप हानि पहुंचा रहे हैं, तो आप क्या संविधान बचा रहे हैं? हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि आप कहते हैं कि जो आज़ादी चाहिए, किस चीज़ से आज़ादी तुम्हें मिलनी चाहिए यार, किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हो तुम? हाँ, जो कह रहे हैं संविधान बचा रहे हैं, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? और आप कह रहे हो कि यहाँ इस गवर्नमेंट में जॉबें जा रही है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, हो सकता है ख़राब है और है भी, ठीक है, लेकिन आप जो संपत्ति जला दिए इस दंगे में, हाँ, बहुत सारे संपत्ति जला दिए, और जो ट्रैफिक बंद करके बैठे हो, बहुत सारे गाड़ियों को दूर से जाना पड़ता है, बहुत सारी की दुकानें बंद है, तो आप तो जॉब ले रहे हो, तो फिर आप किस मुँह से कहते हो कि हमें जॉब चाहिए? हाँ, किस मुँह से कहते हो कि जॉब चाहिए? आप तो बच्चे को सिखा दिए कि हम काट देगा मोदी, ये करेगा मोदी, तो किस मुँह से कहोगे कि गवर्नमेंट आएगी और हमें, गवर्नमेंट हमसे बात करेगी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी ने कहा कि प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन उससे किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है, और प्रोटेस्ट इनफिनाइट तक नहीं चल सकती, ठीक है। अब आइए कि डोनाल्ड ट्रंप का जब हुआ यहाँ आगमन दिल्ली में, तो उसी समय ये प्रोटेस्ट एक और सारे जगहों पे फैला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, एक दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ फैला और ये भयानक दंगे का रूप ले लिया, और 40 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। और दंगे के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर से पेट्रोल बम मिले, वीडियो आया कि लाठी लिए हुए हैं वीडियो में खुद ताहिर हुसैन ने, हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन है, मैं इस वीडियो की पूरी पुष्टि नहीं करता, हाँ, लेकिन देखा गया कि वो लाठी लिए हुए हैं, और ये प्रूव्ड है कि उनके घर से पेट्रोल बम मिले हैं, जो कि जाके बाद में इन्वेस्टिगेशन टीम गई तो उनको मिले, गुलेल मिले हैं, पत्थर मिले हैं, ठीक है, ये सब कब मिले हैं? जब लोगों ने जब दंगा ख़त्म हो गए, उसके बाद जब पुलिस छापामारी करने गई तब मिले हैं, और उनके घर में हुजूम पड़े हैं दंगाइयों की, और पत्थर आए हैं, पेट्रोल बम आए हैं, तो ये 1-2 घंटे की साजिश नहीं हो सकती। जो कहा जा रहा है कि कपिल मिश्रा के एक बयान से ये चीज़ भड़क गई, तो कपिल मिश्रा के बयान से भड़कती तो दूसरे पक्ष के लोग भड़का देते शुरू से ही, लेकिन ये पेट्रोल बम ये सब तैयारी है, दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये प्लान्ड था, और दिल्ली के लोगों ने जिस आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को वोट दिया, बहुत सारे लोग उस एरिया वाले जिनके घर जले हैं, जिनकी मौत हुई है, वो लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं कि हम किसको वोट दे दिए। हाँ, इसको मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट विक्टिम कार्ड खेल रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि पुलिस हमारे अंडर में, सब जगह बोलती है पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। तो मैं इस ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि कहीं भीड़ जुट गई, हाँ,
उससे पहले आप ये समझिए कि पुलिस स्टेट लिस्ट होती है, पुलिस स्टेट के कंट्रोल में होता है, पुलिस राज्यों के कंट्रोल में होता है, पर दिल्ली राज्य नहीं है, इसलिए दिल्ली पुलिस के मतलब दिल्ली राज्य नहीं है इसलिए पुलिस दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो भीड़ होती है, जहाँ भीड़ होती है, अनलॉफुल असेंबली होती है, मतलब वही हुआ कि भीड़ हुई, उस भीड़ को हटाने की जिम्मेवारी एक डीएम की होती है, उस डिस्ट्रिक्ट की हटवाने की जिम्मेवारी उस डिस्ट्रिक्ट की डीएम की होती है। उस डिस्ट्रिक्ट की डीएम को अधिकार होता है कि वो पुलिस वाले से बोले, एसपी से बोले, पुलिस प्रशासन से बोले कि इस भीड़ को हटाओ। पहले तो चेतावनी दिया जाता है, अगर वो भीड़ नहीं सुनती है तो फिर बल प्रयोग किया जाता है। तो जो और ये सारा किसके अंदर आता है, उस भीड़ को हटवाने का अधिकार कलेक्टर को आता है, डीएम को आता है, और दिल्ली में भी ये अधिकार डीएम को है। और ये डीएम का वो बनता था, जो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली या जिधर के भी हैं या साइन बाग वाले एरिया के डीएम हैं, उनका ये अधिकार बनता था कि वो पुलिस को बुलाएं। उन्होंने ये काम नहीं किया क्योंकि, और इसके लिए मैं उस पुलिस वाले को या डीएम को मैं वो नहीं मतलब जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि पुलिस क्योंकि डीएम वो राज्य सरकार के अंडर आते हैं। तो अगर राज्य सरकार के इंस्ट्रक्शन होता तो पुलिस कलेक्टर अपना वो देते प्रशासन को कि आप हटाइए। फिर भी अगर दिल्ली पुलिस नहीं सुनती आपकी बात, जो आपने नहीं किया, अगर दिल्ली पुलिस अगर आपकी बात नहीं सुनती तो आपको आर्मी बुलाने का भी अधिकार है। तो 70 से 72 दिनों तक सरजिल शाहीन बाग में वो जगह पे लोग बैठे रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बुलाया और धीरे धीरे उसको स्प्रेड करवाया। हाँ, क्योंकि अभी अभी क्या है, कांग्रेस की एक पार्षद भी गिरफ्तार हुई है, आज उसको कोर्ट ने जेल भेज दिया है। हाँ, और जो मुस्लिम महिला ही है एक पार्षद, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं, मैंने सबके नाम लिया, और ताहिर हुसैन भागे भागे फिर रहे हैं कि जिनके घर में पेट्रोल बम गुलेल, और लोग कहा जाता है कि ये मास्टर माइंड थे इसके। हाँ, और क्या हुआ कि इस दंगे में, और तो और देखिए, जब पुलवामा हमला हुआ तो लोगों ने ये उठाना शुरू कर दिया पुलवामा हमले में कि RDX आया कहाँ से था। वीडियो में साफ ये दिख रहा है कि शाहरुख नाम के एक शख्स ने तमचा निकाल के पुलिस वाले के सामने फायरिंग की। ठीक है, जो शाहरुख नाम के शख्स ने तमचा निकाल के पुलिस वाले के सामने फायरिंग की, और पुलिस वाले को मैं ड्यू रिस्पेक्ट देता हूँ कि उस पुलिस वाले ने, कोई दहिया नाम के शख्स हैं जिन्होंने खुल के अपने आप को आगे किया उसका, जिससे कि वो शख्स भीड़ की तरफ नहीं गई और बहुत सारे मौत होने से बची। मैं उस दिल्ली पुलिस के जवान को सलाम करता हूँ। ये लोग कोई नहीं पूछते कि वो बम आया कहाँ से था, वो जो तमचा था वो तमचा पहुँचा कहाँ से था। अभी टीवी पे बैठ के जो अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं वो ये नहीं पूछते हैं कि वो तमचा आया कहाँ से था, और वो जो पेट्रोल बम, वो जो गुलेल मिला वो आया कहाँ से था। अभी भी लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं बैठ के टीवी पे। और तो और शोएब जमाई नाम के एक शख्स जो अपने आप को मीडिया कोऑर्डिनेटर बताते हैं शाहीन बाग का, उन्होंने क्या कहा टीवी डिबेट में बैठ के कि हम केरला जा रहे हैं, हम सब जगह जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। क्या लोगों को बता रहे हैं, जिस NRC की जन्म नहीं हुई और लोगों को भड़का रहे हैं? क्या चाहते हैं आपकी सब जगह दंगे हों पूरा भारत में? हैं, आप यही जाके लोगों को बता रहे हैं कि जो दिल्ली में करवा दिए 40-42 से ज़्यादा लोग मरवा दिए और कितने लोग घायल हुए हैं? और तो और, तो क्या चाहते हैं आप कि पूरे इंडिया में दंगे फैले? और वहाँ पे बैठ के वहाँ पे डिबेट भी दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं अपने मन से जो मन में आता है। पता नहीं ऐसे कैसे 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 लोग दुनिया में आ जाते हैं, जो इतने दंगे हो गए, इतने लोग मर गए, फिर भी उनको शर्मनाम हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, अब इन पे इनके पीछे किनका किनका हाथ था, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा। हाँ, और केजरीवाल, तो मैं मेरा बोलने का अर्थ यही था कि DM के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ये सारे अधिकार होते हैं। तो केजरीवाल गवर्नमेंट यह कह के सिर्फ नहीं हट सकती है कि पुलिस हमारे अंडर नहीं आता है, पुलिस स्टेट लिस्ट दिल्ली में नहीं है। हाँ, मैं समझा दिया कि पावर है DM के पास, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस धरने प्रदर्शन को हटाने का कोई भी काम नहीं किया, और जस्ट अब क्या कर रहे हैं, लोगों को मुआवजा दे रहे हैं। जो लोग मर गए उनको तुम 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, लौट के आएंगे क्या?
जिनके घरें जल गई, जिंदगी भर की संपत्ति चल गई, आप 10 लाख से वो आ जाएंगे क्या? उस लौट जाएंगे, आप 10 लाख दोगे उसे क्या हो जाएगा? 5-10 लाख तो मरने वाले को दिए, 5 लाख की संपत्ति, 5 लाख में आजकल एक रूम दो रूम बनता है। और तो और दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल को गोली मार दी है, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को गोली मार दी रतनलाल की, जो राजस्थान के थे हैं, उनको 1 करोड़ रुपया दे ही दिए। उसके पत्नी को, उसका पति लौट जाएगा क्या? उसके बच्चे जो हैं, उसका बाप लौट जाएगा क्या? हैं, और तो और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को इस तरह से चाकू से मारा गया, इस तरह चाकू से मारा गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि 400 से ज़्यादा चाकू के बार किए गए। ये जो 400 चाकू से गोदा गया, ये दंड देने की प्रक्रिया किसकी है, मतलब यह स्टाइल किसका है? आईएसआईएस का है, जो सीरिया में आईएसआईएस, इराक में एजिदी महिलाओं बच्चियों, और जिसके साथ किया घिनौनी हरकतें किया, और जिस तरह से ब्रुटैलिटी के साथ मारा, चाकुओं से लाइन में बैठा के काट दिया, या एजिदी पुरुषों को मार दिया और महिलाओं को जाकर किडनैप करके उनके साथ रेप किया उस तरीके से, और उनके जो पुरुष थे उनको ऐसे ही काटा गया उस तरीके से, यहाँ गोद दिया गया आईबी ऑफिसर को, आईबी कर्मी जो थे, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे, उनको भी नहीं बख्शा गया। तो मेरे को आप लोगों से अभी भी अनुरोध है कि आप एक होइए। अगर आप कुछ बुद्धिजीवी आते हैं अभी, एक अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम नास्तिक हैं, जावेद अख्तर, मेरा नाम लेने में कोई किसी से परहेज नहीं है, जावेद अख्तर बोलते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आप अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि कुछ लोग नास्तिक होने चाहिए जो दोनों तरफ लोगों को समझाए, लेकिन जावेद अख्तर का जो अंदर वाला जो कहता है ना, वो निकल गया ऊपर। उन्होंने क्या बोला कि संजोग से, संयोग से आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है, हाँ, वो ताहिर हुसैन, वो मुस्लिम है, और अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी के विधायक, ये बोलते हैं कि मतलब उसके बचाव पक्ष में आ गए हैं ताहिर हुसैन के। अब क्या प्रूफ मिले उससे ज़्यादा? और अगर कुछ ऐसा हो तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन होगी हाँ, लेकिन पेट्रोल बम, गुलेल, तम और वो जो पत्थर हैं सारे मिले हैं, और पत्थर फेंकते हुए भी देखे हैं उनके घर से, आगे घर के ऊपर से हाँ। अपने आप को ये क्या बोलते हैं जावेद अख्तर की हम नास्तिक हैं? क्या नास्तिक हो तुम? तुम जैसे लोग को, बूढ़े लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे जैसे लोग बुद्धिजीवी के कारण ही दिल्ली में 42 से ज़्यादा लोग मर गए, वो किसी भी धर्म से हो। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू मरा, मुसलमान मरा, लेकिन मरा दोनों धर्म के लोग मरे, और तुम जैसे लोगों के कारण ही मरे, तुम्हारे जैसे लोगों के भाषण के कारण ही लोग मरे, समझ गए? दिमाग। और मैं ये भी बताता हूँ कि अपने लोग में भी अपने आप में एकता लाओ। अगर एकता नहीं लाओगे, आप ये देख रहे हो कि वो मरा, वो कटा, वो हुआ, तो आपको भी बचाने कोई नहीं आएंगे। जब आप पे आएगा ना, तो आपको भी बचाने नहीं आएंगे, और आप चाहोगे भी कि वो हमें आग बचा दे, तो रहेंगे नहीं बचाने के लिए, तो कौन बचाएगा तुम्हें? ठीक है, समाज में समरसता आनी चाहिए, समाज में एकता आनी चाहिए, और झूठ फैलाना बंद करिए एनआरसी के बारे में, क्योंकि एनआरसी अभी आई नहीं है, अगर कुछ आएगी वैसी तो विरोध करिएगा, ठीक है? और ट्रंप आए इंडिया, उस समय ये होना, विश्व पटल पे, मानचित्र पे इंडिया की क्या वो बनती है? हाँ, आप कहते हो कि हमारे यहाँ जॉब नहीं आती, कोई कंपनी चाहेगा कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें? वो भी इतने बड़े कंट्री के, इतने बड़े कंट्री के नेशनल कैपिटल रीजियन में, NCR इलाके में इतने बड़े दंगे हो जाए, कौन कंपनी आएगी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, पैसा लगाएगी और आपके यहाँ जॉब आएंगे? कंपनी आती है 40 साल के सोच के, 1-2 साल के सोच के नहीं आती, वो तो जानती है कि आज हम यहाँ पैसा लगा दें, उसके बाद क्या होगा, कल दंगे हो जाएंगे, हमारी सारी संपत्ति जल जाएगी, दंगे हो जाएंगे, सारी संपत्ति जल जाएगी, ये कंपनी सोच के नहीं आते। अब सरकार से कहोगे सरकार हमें जॉब दे दे, अब दुनिया के मानचित्र में क्या गया, विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी इंडिया आए हुए था डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये सब चीज़ें हुई। ये तो ये भी कहा जा सकता है ना, ये प्री प्लान्ड था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तब ये दंगा होगा, जिससे इस मुद्दे को और भड़काया जाए, और जो पाकिस्तान की आईएसआईएस चाहती थी, जो पाकिस्तान की सरकार चाहती थी, वही हुआ इंडिया में, ठीक है, वही चीज़ें हुई इंडिया में। तो हम लोगों को अपने आप को क्या करना है, समाज में समरसता लानी है,
और इंडिया कभी इनटॉलरेंट नहीं हो सकता। आमिर खान ने कहा था कि इंडिया में हमें रहना डर लगता है। अरे यार, अगर इंडिया में डर लगता है तो जिस कारण हमारे देश का डिवाइड हुआ, जिस कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ, जिस कारण बस ठीक है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, यही कह के बंटवारा हुआ, फिर भी इंडिया में हिंदू मुस्लिम रहते हैं। और जिस देश का बंटवारा हुआ, जो देश हमसे निकला, उससे ज़्यादा मुस्लिम हमारे देश में है। अगर हमारे देश में तुम्हें